कांतारा मूवी ने कहीं बड़ी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए और अब भी ये फिल्म रुकने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि ये मूवी जब रिलीज हुई थी तो इसको कोई नहीं जानता था, लेकिन धीरे धीरे करके ये फिल्म ऐसा छा गई कि अब देखने के लिए लोगों को जगह ही नहीं मिल रही है। और जैसे जैसे ये फिल्म पुरानी हो रही है वैसे वैसे इसका कलेक्शन बढ़ रहा है और लोग इसे और भी ज्यादा देखने जा रहे हैं। कांतारा की शक्ति देखकर अक्षय कुमार बोले कांतारा मूवी पर। दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि अक्षय कुमार की राम सेतु फिल्म 25 तारीख को रिलीज हुई है और ओपनिंग के दिन ही इसका कलेक्शन कुछ खास नहीं हो पाया और दूसरे और तीसरे दिन तो इसका कलेक्शन में और भी ज्यादा ड्रॉप देखने को मिला। पहले दिन राम सेतु 15 करोड़ 25 लाख का कलेक्शन किया था और दूसरे दिन 12 करोड़ के आसपास और अब तीसरे दिन तो 11 करोड़ पर आ गई है। तो अब राम सेतु की इसी हालत को देखकर अक्षय कुमार बोले और लोगों से रिक्वेस्ट की है। वैसे ये फिल्म श्री राम पर है उस हिसाब से थोड़ी बहुत छल तो रही है और अपना बजट भी आराम से निकाल भी लेगी, लेकिन ब्लॉकबस्टर होगी या फिर नहीं इसका अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं है। खैर हम बात करते हैं अक्षय कुमार की कि आखिर अक्षय कुमार राम सेतु की हालत देखकर कांतारा पर क्या बोले। आप लोगों को बताओगे दोस्तों कांतारा मूवी बहुत ही ज्यादा चल रही है, लोग इसे बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं और धीरे धीरे करके ये और भी ज्यादा आगे बढ़ रही है, लेकिन अक्षय कुमार की राम सेतु धीरे धीरे करके ड्रॉप हो रही है, डे बाय डे इसका कलेक्शन डाउन हो रहा है। उसी को लेकर अक्षय कुमार बोले भाई कांतारा फिल्म को आप लोग इतनी ज्यादा देख रहे हो, इतना ज्यादा आप लोग इसे प्यार दे रहे हो, थोड़ी बहुत हम लोग की फिल्में भी देख लो। वैसे दोस्तों आप लोग को पता है लोग इसको क्यों नहीं देख रहे, क्योंकि यार लोग अभी के टाइम में बॉलीवुड की फिल्में देखना पसंद ही नहीं करते। बॉलीवुड से उनका पूरा विश्वास ही उठ गया कि भाई ये लोग कैसी फिल्में बनाते हैं।